मैं वापस से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी. पॉइंट इज देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्वेश्चन लिया हमने एमकॉम की बुक से है, ठीक है. सबसे पहली सिचुएशन क्या है, नंबर ऑफ रॉ एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए. तो देखो, नंबर ऑफ रॉ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 रॉ है, जबकि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही है. तो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रॉ क्या होने चाहिए, बराबर. तो एक कॉलम कम पड़ रहा है, तो उस एक कॉलम के लिए मैं क्या बना दूंगा, डमी कॉलम, और वैल्यूज क्या आएगी उसकी, 0. स्टेप नंबर 2 कल लिखवाया था. स्टेप नंबर 2 जो था वो था, ईच रॉ की लोवेस्ट वैल्यू को उसी रॉ की बाकी वैल्यू में से लेस करना है. तो देखो, हर एक रॉ में लोवेस्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट रॉ में 0, सेकंड रॉ में 0, थर्ड रॉ में, फोर्थ रॉ में, फाइव रॉ में और सिक्स रॉ में, सब में 0 ही है. अगर मैं 0 को उसी रॉ की दूसरी वैल्यू में से लेस भी करता हूँ, तो सेम टेबल वापस बन जाएगी. सो वी कैन स्किप दिस स्टेप, हम लोग आराम से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सेम टेबल वापस बनाने से क्या मतलब, ठीक है. फिर स्टेप नंबर 3 था, अब जो न्यू टेबल बनेगी, जो न्यू टेबल बनी है उसके ईच कॉलम की लोवेस्ट वैल्यू को उसी कॉलम की बाकी वैल्यू में से लेस करो, ठीक है. तो कॉलम वाइज देखना है, कॉलम वाइज देखते हैं. फर्स्ट कॉलम के अंदर लोवेस्ट वैल्यू है 2, सेकंड के अंदर भी 2, इसमें 3, फोर्थ में 2, फिफ्थ के अंदर 5 और सिक्स में 0. तो नई टेबल वापस बना लेते हैं. तो नई टेबल क्या बन जाएगी, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. सिक्स में थी, एक्चुअली डमी थी, है ना. इधर था ए बी सी डी ई एफ. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज फर्स्ट कॉलम को चेक करते हैं. फर्स्ट कॉलम में लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 2. तो 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 2 7 एंड 4 माइनस 2 2. सेकेंड के अंदर भी लोएस्ट वैल्यू है 2, तो 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 2 5. फिर थर्ड कॉलम में 3, तो 5 माइनस 3 2, ठीक है. फिर 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 0, 5 एंड 1, ठीक है. इसके बाद में इस कॉलम में 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 5, फिर 9 माइनस 2 7, फिर 4 माइनस 2 2, फिर 9 माइनस 2 7 एंड देन फाइनली 6 माइनस 2 4. लास्ट में 5 है, तो 7 माइनस 6 माइनस 5 1, फिर 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2 एंड 8 माइनस 5 3 एंड डमी वैल्यू हो जाएगी सब में 0. अब हमें सारे 0 कवर करने हैं लोएस्ट नंबर ऑफ लाइन से.
हमें सारे जीरो कवर करने हैं जितनी पॉसिबल हो उतनी ही कम लाइन से, ठीक है, जितनी पॉसिबल उतनी कम लाइन से हमें सारे जीरो कवर करना है। तो देखो सबसे मतलब एक लाइन में आप जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा जीरो कवर करो, सब भूल जाओ जो अपन ने कल लिखा सब भूल जाओ, लॉजिक लगाओ एक लाइन में सबसे ज्यादा जीरो कवर करना है। तो इस लाइन को अगर मैं कट करता हूँ डमी वाली को तो कितने जीरो कवर होंगे, छह। ये अपन लिख लेते हैं भाई कल की जैसे। तो अगर यहां देखो फर्स्ट के अंदर कितने जीरो है, एक, सेकंड में कितने जीरो है, दो, थर्ड में कितना जीरो है, एक, फोर्थ में कितने जीरो है, एक, फिफ्थ में कितना जीरो है, एक, और सिक्स में है छह। इधर ए में कितने जीरो है, तीन, फिर बी में एक, सी में एक, डी में तीन, ई में एक, एफ में एक। तो ऑब्वियसली सबसे पहले किसको कवर करूंगा, छह जीरो वाली को, छह जीरो वाली को कवर कर लिया। अब देखो ए में दो जीरो है और डी में अभी भी तीन जीरो है, तो पहले किसको कवर करूंगा, डी को। देखो इसको कट करने के बाद में इसको अगर मैं कट कर देता हूं तो ए में कितने रह गए, दो जीरो, सॉरी इसमें बी में ऑलरेडी दो जीरो थे, बी में कितना रह गया, एक, इसमें कितना, कुछ रहा ही नहीं, इसमें कितने जीरो रहे अभी भी, तीन। तो इस तरह से दिमाग लगाओ। तो देखो पहली बार में छह जीरो कट गए, अब ए में दो है और डी में तीन है, तो ऑब्वियसली मैं किसको कट करूंगा, डी को, ठीक है। इसके बाद में हाईएस्ट जीरो किसमें बच रहे हैं, ए में, ए को अगर मैं कट करता हूं तो कितने जीरो कट हो जाएंगे, दो जीरो, फिर और जीरो किस किस में बच रहा है, देखो दो, केवल ए, सॉरी बी के फर्स्ट में एक जीरो है, बी के फर्स्ट में केवल एक जीरो है, बाकी सारे जीरो कट गए। तो बी के फर्स्ट को आप चाहे हॉरिजॉन्टली कट करो या वर्टिकली कट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी के फर्स्ट को चाहे आप हॉरिजॉन्टली कट करो या वर्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी लाइन्स हुई, सारे जीरो कवर हो गए क्या, एक बार चेक कर लो। हाँ भाई मेरे हिसाब से सारे जीरो कवर हो गए, कुछ नहीं बचा है। तो अब क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस किसके बराबर लिखा था, देखो ये रहा, जो नंबर ऑफ कटिंग लाइंस है, जो नंबर ऑफ कटिंग लाइंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होनी चाहिए। जो नंबर ऑफ कटिंग लाइंस है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास तीन तरह की वैल्यू होती है, सिंगल कवर्ड, डबल कवर्ड और अनकवर्ड। तो अनकवर्ड वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करो, अनकवर्ड वैल्यू में लोएस्ट वैल्यू सिलेक्ट करी, उससे अनकवर्ड में लेस, डबल कवर्ड में एड और सिंगल कवर्ड में एज इट इज, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ फॉलो कर लेते हैं। यहां पर मैं इनको मिटा रहा हूं, इनका कोई यूज नहीं है एक्चुअली। यहां पे अनकवर्ड वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बताना, अनकवर्ड सबसे छोटी वैल्यू वन वन इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको क्या करना है, अनकवर्ड में लेस, अनकवर्ड में लेस, डबल कवर्ड में एड और सिंगल कवर्ड में कुछ नहीं करना है, ठीक है सर। ओके वापस मैं टेबल बना देता हूं। वन टू थ्री फोर फाइव एंड डमी ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो देखो पहले ए में, ए में जहां जहां डबल कवर्ड है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो डबल कवर्ड कहाँ का है, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये चार डबल कवर्ड। एक्चुअली मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक साथ स्पेस नहीं, एक साथ तो मैं डायरेक्ट बना देता फटाफट से, ठीक है। तो ये चार डबल कवर्ड इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, ऐड या लेस या कुछ भी नहीं, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो फोर है, तो जो जो वैल्यू अपन ने सेलेक्ट करी है, सेलेक्ट किसको करा था, वन को। तो डबल कवर्ड में हमेशा क्या करना है, ऐड। तो क्या करेंगे, ए के फर्स्ट में, ए के लास्ट में,
डी के फर्स्ट में और डी के लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है सर? तो ऐड कर देते हैं, तो 4 और 1 5, और फिर ए के लास्ट में मतलब डमी वाले में 0 प्लस 1 1, फिर डी के फर्स्ट में 4 और 1 5, और डी के लास्ट में 1, ठीक है? फिर अनकवर जो सिंगल कवर्ड होता है एज इट इज लिखनी वैल्यूज, सिंगल कवर्ड वैल्यूज को एज इट इज लिखना है। तो मैंने ये ए वाली वैल्यूज, तो देखो ये सारी सिंगल कवर्ड है, जब सारी सिंगल कवर्ड है तो एज इट इज आ जाएगी, तो ये आ जाएंगे आपके 0 2 0 1, ओके 0 2 0 1, ठीक है। फिर डी के फोर्थ में, डी के फोर्थ में देखो सिंगल कवर्ड है सारी, डी में चार, सॉरी फोर्थ नहीं, डी में 4 वैल्यू सिंगल कवर्ड है, 0 0 2 0, 0 0 2 0, फिर यहां देखो डमी वाले के अंदर बी सी और ई एफ ये सारी सिंगल कवर्ड है, तो बी सी ई और एफ ये सारी सिंगल कवर्ड है। उसी तरह से ये देखो फर्स्ट में 2 5 7 2, ये भी सिंगल कवर्ड है, तो ये भी एज इट इज आ जाएगी 2 5 7 2। तो देखो अब वैल्यूज देख लेते हैं, अनकवर्ड में क्या करना है, अनकवर्ड में क्या करना है मुझे पता नहीं है, बताना एक बार। लेस करना है अनकवर्ड में, लेस करना है, ठीक है? अनकवर्ड में लेस कर देते, ठीक है सर? तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, फिर 5 माइनस 1 4, फिर 5 माइनस 1 4, फिर 2 माइनस 1 1, फिर सी में 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 1 6, और 3 माइनस 1 2, फिर 7 के अंदर तो देखो 1 माइनस 1 0, 0 4 6 1 लिख दूं, 0 4 6 1, इसके बाद में इसके अंदर 1 लेस हो जाएगा, तो 4 0 3 2, 4 0 3 2। यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार बता दो, कोई पॉइंट कोई डाउट कुछ भी हो तो मुझे एक बार क्लियर कर दो। नहीं है भैया। चलो तो फिर आगे चलते हैं। नो सर। तो फिर देखो आगे चल रहे हैं हम लोग, सबसे ज्यादा 0 कहां कवर हो रहा है, तो देखो मेरे हिसाब से फर्स्ट में 2 है, इसमें 1 ही है, सी के अंदर 1 है, डी के अंदर 3 है, ई के अंदर 2 है, एफ के अंदर 2 है, लेकिन डमी वाली के अंदर ढंग से देखो तो कितने 0 है, 4 0 है, तो ये गए 4 0, ठीक है। फिर सेकंड हाईएस्ट है ई के अंदर, सो डी के अंदर ये 3 0, ये ऐसे कटने करने से 3 0 कटे मेरे। फिर देखो ए के अंदर आप ए को वर्टिकली ऐसे कट करो तब भी 2 0 कट जाते हैं, और अगर 2 को कट करते तब भी कितने 0 कट होते हैं, 2 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका, ठीक है सर? इसके बाद में ई वाले के अंदर 1 ही 0 है, उसको कट कर दो, और एफ वाले के अंदर भी 1 ही 0 है, तो मैंने इसको भी कट कर दिया। आई बात समझ में सबके? तो मैंने देखो अब कोई 0 बच रहा है क्या? नहीं। अब किसी दिमाग में डाउट हो यार कि किसी दिमाग में डाउट ऐसा होता कि यार इसको ऐसे कट करते तो 2 0 कवर हो जाते हैं, हाँ ठीक है, तो ऐसे कट कर दो, इसको ये भी ऐसे कट हो जाता और फिर ये भी ऐसे कट हो जाता, लाइन तो देखो वही आई 1 2 3 4 5, और पहले भी कितनी आ रही थी 5, ठीक है। तो आप जैसे चाहो वैसे कट कर सकते हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर। फिर ऐसे डबल कवर्ड आएगा तो आंसर डिफरेंस नहीं होगा क्या चीज? ऐसे डबल कवर आएगा तो एडलेस में फिर आंसर डिफरेंस नहीं होगा? नहीं, फाइनली आंसर सेम आएगा सबका, जो भी आंसर आएगा वो फाइनली सबका सेम आएगा, उसमें कोई फर्क आएगा नहीं कभी भी, क्योंकि अभी ऐसे नहीं कटा तो बाद में दूसरी वैल्यू दूसरी तरह से कट जाएगी, लेकिन कटेगी सब सेम और 0 सारे सेम आएंगे।
ठीक है ओके आगे यस सर नेक्स्ट कुलदीप को मैं इसके बाद में इसके बाद में वही सेम हमारी लाइंस कितनी होनी चाहिए थी छह कितने कॉलम है छह कॉलम है ना हो कितनी रही है एक दो तीन चार और पांच ही हो रही है अभी भी एक कम पड़ रही है तो मैं क्या करूंगा सेम प्रोसेस वापस से रिपीट करेंगे अनकवर्ड वैल्यू में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी बच रही है अनकवर्ड वैल्यू में सबसे लोएस्ट वैल्यू है वन अनकवर्ड वैल्यू में सबसे लोएस्ट वैल्यू है वन ठीक है सर वो वन सेलेक्ट कर लिया मैंने तो अगर मैं ये वन सेलेक्ट करता हूँ तो इसका क्या करेंगे जो डबल कवर्ड है एक तो ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली इन सब में ऐड होगा हाँ बी के सेकंड जीरो था वहां पे बी के सेकंड पे इक्वल आ जाएगा आंसर ओके बी का जब फर्स्ट है वहां पे जीरो लिखा हुआ है सॉरी एक सेकंड लेना सॉरी तो अगर ये मैं जीरो यहीं पे कट करता हूँ तो क्वेश्चन यहीं पे पूरा हो जाएगा ना अपना तो एक सेकंड रुकना फिर यहाँ पर अगर मैं कट कर देता हूँ तो ये कट हो गए चार जीरो तीन दो तो कट ही चुका है हाँ तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा फिर तो ठीक है छह लाइन होनी चाहिए छह लाइन हो गई हमारी ठीक है सॉरी फॉर दिस एक्चुअली यहाँ जीरो था इसको नीचे लेते टाइम मैं भूल गया था वापस यहाँ से मैंने वैल्यू लिख दी नीचे तो नीचे क्या हो जाएगा जीरो ठीक है तो हमारा क्वेश्चन ये पे फिनिश हो गया आपको प्रॉब्लम ही नहीं तो अब क्या कर देंगे हम लोग अब क्या करेंगे देखना असाइनमेंट असाइनमेंट में क्या समझाया था जीरो रो वाइज चेक करना लेकिन पहले क्या कर दो सारी वैल्यूज के जीरो लिख दो तो देखो अब मैं क्या करूंगा वही सेम प्रोसेस ए बी सी डी ई और एफ इधर आ जाएगा वन टू थ्री फोर डमी ठीक है चलो अब यहाँ जीरो देखो जीरो कहाँ कहाँ पे है ए के सेकंड और फोर्थ में ठीक है ए के सेकंड और फोर्थ में बी के फर्स्ट और सिक्स में बी के फर्स्ट और सिक्स में सी के केवल सिक्स में सी के केवल सिक्स में डी के सेकंड थर्ड और फिफ्थ में बी के सेकंड थर्ड और फिफ्थ में ई के सेकंड और सिक्स में ई के सेकंड और सिक्स में एफ के थर्ड एंड सिक्स में एफ के थर्ड एंड सिक्स में ठीक है मैंने जितने जीरो जीरो थे वो सारे लिख दिए अब क्या करना है एक बार ये पढ़ना फिर आप लोग बताना मेरे को जॉब असाइनमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना है रॉ वाइज चेक करना है ठीक है चेक कैसे करना है रॉ वाइज जिस रॉ में सिंगल जीरो होगा जैसे इस रॉ में सिंगल जीरो है तो ये सेलेक्ट करा और उसे कॉलम वाइज कट कर देना है ठीक है ये लिखा हुआ ना देखो रॉ वाइज चेक करना है क्या लिखा हुआ है रॉ वाइज चेक करना है जिस रॉ में सिंगल जीरो होगा उसे सेलेक्ट करके कॉलम को कट कर देंगे ठीक है याद रह जाएगा आराम से यस सर चलो तो मैं आगे ले रहा हूँ इसको तो देखो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन तो सबसे पहले मुझे बताओ मैं किसको सेलेक्ट करूं ये रहा आपके सामने क्वेश्चन सबसे पहले किसको सेलेक्ट करूं सी ए में देखो ए में दो जीरो है ठीक है तो हटाओ बी में भी दो जीरो नहीं सी में एक ही जीरो है ये करा सेलेक्ट और ये करा कट
ये समझ में आया हो तो आपके पूरा समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया क्या, यस और नो? यस। चलो अब देखना वापस से चेक कर, ए में अभी भी दो जीरो है, चलो इसको छोड़ो। बी में देखो, बी में अभी एक ही जीरो, एक तो कर चुका है। बी में दो जीरो थे, सुनना, बी में दो जीरो है, ये तो कर चुका है ना, ये देखो ये तो कर चुका है। तो अब कितने जीरो बचे हैं? एक जीरो, और कट करना है कॉलम को हमेशा। फिर अभी भी डी में तीन जीरो, इसको छोड़ दो। ई में एक ही बचा, एक, ये तो कट चुका, देखो ये कट चुका है, तो ई में भी एक ही जीरो बचा, ये करा सेलेक्ट, ये करा कट। इसके बाद में एफ में भी एक ही जीरो बचा, ये करा सेलेक्ट, ये करा कट। तो अब मैं प्रैक्टिकली देखू तो देखो ए में भी कितने जीरो बचे, ए में भी एक ही जीरो बचा, ये करा सेलेक्ट, ये करा कट। और डी में भी कितना बचा, एक ही जीरो। समझ में आया क्या सबको, यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ भैया। तो क्या करा देखो, अपन ने सबसे पहले चेक करा, ए में दो जीरो को छोड़ दिया, बी में भी दो जीरो को छोड़ दिया, सी में एक ही जीरो है, इसको सेलेक्ट करा और कट हमेशा उस कॉलम को करना है, ये कट कर दिया। फिर अभी भी डी में तीन जीरो को छोड़ दिया, ई में एक ही जीरो बचा, दो थे दो, ठीक है थे दो, लेकिन ये एक तो कट हो चुका है तो बचा तो एक ही है ना, ये कट। फिर एफ में देखा, एफ में भी दो जीरो थे, एक जीरो पहले कट हो चुका है, तो अब ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट करा और ये कॉलम कट। फिर वापस से चेक करते, ए में दो थे, एक कट चुका है, बचा एक ही। बी में भी दो थे, एक कट चुका है, एक ही बचा। और डी में तीन थे, दो कट गया, बचा एक। तो जॉब असाइनमेंट क्या हो गई, जॉब असाइनमेंट क्या हो जाएगी, ए को फोर, बी को फर्स्ट, सी को सिक्स और डी को फाइव। सी को सिक्स नहीं हुआ एक्चुअली, क्या थी, डमी थी, डी को फाइव, ई को सेकंड और एफ को थर्ड। और इनकी एक्चुअल वैल्यूज थी को टेबल के अंदर, तो देखो जैसे ए में फोर्थ आया था, तो ए में फोर्थ क्या था, टू, ए में फोर्थ था टू, बी में फर्स्ट था टू, सी में डमी पे हमेशा वैल्यू जीरो होती है, डी में फोर, डी में फोर्थ क्या है, फोर, डी में फोर्थ है, सॉरी डी में फिफ्थ था, सॉरी डी में फिफ्थ था, और डी में फिफ्थ था सेवन, ई में सेकंड था थ्री, और एफ में थर्ड था फोर। तो टोटल आ जाएगी आप लोगों के, डी में फाइव होगा भैया, डी में फाइव है, डी के फिफ्थ में फाइव है। अच्छा सॉरी, दो दो चार चार आठ, आठ पांच तेरह तीन सोलह। आई बात सबके समझ में, इजीएस्ट चैप्टर है, कुछ भी पंगा नहीं होता है, इजीएस्ट चैप्टर आपको वापस एक बार करना है। तो हम लोग वापस से एग्जैक्टली 10 मिनट वापस मिल रहे हैं, 10 मिनट वापस क्लास को रीस्टार्ट कर रहा हूं मैं।